हे गाइस वेलकम बैक माय न्यू एपिसोड के साथ में आप लोग का स्वागत करते हैं। तो दोस्तों मैं सुबह से ब्लॉग शूट नहीं कर पाया, पता है क्यों? क्योंकि मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, ठीक है। काम करते 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 यार थक गया जाके ये सब सो गया। तो सोचा शाम को मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगा, तो मैं अभी 4 बजे ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं खाना तक नहीं खाया था, मैं अभी खाना खाया, ठीक है। सोचा आप चलते हैं थोड़ा ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज ब्लॉग स्टार्ट नहीं करेंगे तो मेरा ब्लॉग छूट जाएगा। तो डेली का ब्लॉग जो मैं बोला था वो तो गया, बाहर में चल गया। तो मैंने सोचा नहीं, खाना खा लिया, थोड़ा बॉडी में एनर्जी भी आ गया, ठीक है, बॉडी में एनर्जी आ गया। तो सोचते हैं चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, जिसे मैंने अभी स्टार्ट किया, ठीक है। नहीं करता तो छूट जाता, आज का भी दिन में खराब ही जाता। मैं सोचता था, मैं बोला डेली ब्लॉग कर रहा हूँ और मैं छोड़ दिया, ब्लॉग बताओ मुझे कैसा लगता। इसे मैंने सोचा नहीं, खाना खा लिया ना, अब फिर ब्लॉग स्टार्ट करो और का ही बोला जाए। तो अभी नंदू यहाँ पर नहीं, ठीक है, उसको मुझे जाना होगा उसके गांव, ठीक है, उसको लेने के लिए। तो मैं जा रहा हूँ उधर ही गांव जा रहा हूँ, सोचा आप लोग को उधर लेके चलते हैं, उधर का ही व्यू दिखाते हैं आप लोग को। नंदू को लेते हैं फिर उसके गांव में, थोड़ा गांव में घूमेंगे, ठीक है, उसके गांव घूमेंगे आज, क्योंकि इधर नहीं जाना है, आज जाना उसके गाँव घूमना है। तो चलते हैं और घूमते हैं। तो चलिए मिलते हैं आगे आप लोग, सीधा नंदू के पास मिलेंगे, ठीक है। Lately you don't feel like yourself and you kinda hate it. You suppress all of the thoughts in your head and say it's complicated. You hide your pain, but I can see it etched on your face. I know the feeling, swear you're okay, but you're barely breathing. Don't you? तो finally नंदू को उठा लिया, ठीक है, और मेरा नंदू बहुत ध्यान दर्द कर रहा, पता है नहीं बताऊंगा आजकल मेहनत करता है बहुत ज्यादा ये, ठीक है, इसलिए इसका ध्यान दर्द करता है। तो आप लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। यहाँ से चांदनी चौक है 16 किलोमीटर, ठीक है, ये देखो। तो ये देख रहे हैं कि इधर जाए को पता ही नहीं चला, ठीक है, सोचे इधर ही घूमते हैं। ये रहा कुछ इस तरह का व्यू इधर का गांव का, गांव का बात ही अलग होता है, ठीक है। मिट्टी खुदाई चल रही है उधर, मिट्टी खुदाई चल रही है, अब प्रदूषण उड़ रहा है, गर्दा उड़ रहा है, फेस में जा रहा है। सोच रहे यहाँ से साइड हो पहले और आगे चल के बात करें, ठीक है, चलते आगे, क्योंकि यहाँ रहेंगे थोड़ा देर में पता नहीं हम भी नहीं पहचान में आएंगे, हम कौन है, हम क्या कर रहे हैं, क्या काम शायद वो नहीं कर पाएंगे। चलते आगे, मिलते आगे आप लोगों से। तो दोस्तों सिर्फ चले जा रहे हैं, लोकेशन तो मिल ही नहीं रहा है, पता है, देखो खाली ये मिल रहा है, ये देखो क्या मिल रहा है, खाली कुछ नहीं मिल रहा है। तो सोच रहे कहाँ जाए, कुछ ट्रेन ही नहीं चल रहा है, अता पता ना हो चल दो तो क्या फ़ायदा होता है, जाके बताओ। ये देखो नीचे बैठा लिया है, तो इसके कारण आपको लगता नहीं मिल रहा है कुछ लोकेशन अच्छा, देखो क्या मिला, कुछ नहीं है, खाली गाँच वृक्ष है और कुछ नहीं है यार। अरे बताओ कहाँ जाना है यार, कहाँ जाना है हम सबको? चांदनी चौक जा सकते हैं, यहाँ से गैछान है, तो चलते देखते कुछ अच्छा तो सीन मिल जाए तो और भी अच्छा हो जाए। ये देखो कुछ सीन इस तरह का, यहाँ का मैं वीडियो एक दिन बनाया था, ठीक है, ये बगीचा वाला सोच रहे यहाँ का वीडियो क्या बनाओ, अब यहाँ का मैंने बना चुका हूँ। इधर देखो एकदम अच्छा लग रहा है ना, सही में फोटो शूट के लिए एरिया मस्त है ये। ये देखो कुआँ है और कहाँ कुछ है, गाँव में वही होता है खेती, नेचर, हरियाली और क्या होता है, गाँव जो मिलेगा अच्छा। शहरों में तो मतलब होता है क्या, अच्छा अच्छा लोकेशन मिल जाएगा, ठीक है, अच्छा अच्छा व्यू मिल जाएगा देखने के लिए, पब्लिक प्लेस रहता है, और यहाँ गांव में तो कहाँ मिलेगा। सबसे बड़ी मकई का खेत सही है, देखो सही में गाँव में मकई का खेत आपको ना दिखे ये हो ही नहीं सकता, मकई का खेत बहुत इम्पोर्टेंट सा खेत होता है ये। बड़ा हरामी हो बेटा, चलते थोड़ा आगे और देखते हैं कुछ लोकेशन और अच्छा मिल जाए तो आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए आगे मिलते हैं आप लोगों से। तो दोस्तों लोकेशन के तलाश में घर से मैं 15 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ, ठीक है, ये देखो, लेकिन लोकेशन मिला ही नहीं। अरे जिनंदू और ये देखो, हम सोच रहे जाते जाते पहाड़ ना क्रॉस कर जाए, वो देखो उधर पहाड़ दिख रहा है आपको, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं कैमरे में, वो देखो पहाड़ है, ठीक है, सोच रहे वहीं चलते हैं, कब पहुंचेंगे पता नहीं। यहाँ पर छोटे छोटे आम के बगीचे हैं देख सकते हो, लेकिन छोटा छोटा आम भी है उसमें, देखो छोटा छोटा आम भी है, छोटे छोटे आम है देखो उसमें भी, आम है छोटा छोटा आम है, वो बढ़ने में बहुत टाइम लगेंगे, लेकिन आम तो आ गया इसमें ना, मजा आता है। इधर का व्यू देखो कुछ इस तरह का व्यू है, सोचे इधर कुछ होगा देखने के लिए, कुछ तो मिला नहीं। फोटो शूट के लिए एरिया ठीक है, ठीक है, एक नंबर जगह, मस्त है, ये देखो मस्त है, थोतना भी होना चाहिए मस्त के लिए, है धूप में रह के अभी अभी गोरा चिट्टा है, दिख रहा है ना कितना गोरा चिट्टा है, गोरा तो हम दिखते हैं, कहाँ हम है,
और कुछ नहीं है, ठीक है। ये देखो सड़क है, गाड़ी पार हो रहे हैं, हम वीडियो बना रहे हैं, तो और कुछ नहीं है इधर का। तो सोच रहे हैं अब चले वापस घर की ओर, ठीक है, घर चलते हैं। कुछ नहीं इधर, सोचे कुछ होगा इधर, क्योंकि मैं सुबह से ब्लॉग ही नहीं शूट कर पाया। घर पहुंच जाएंगे ना। देख सकते हैं कितना अच्छा बोलता है ये मेरा दोस्त है, ये बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलता है। कोई बात नहीं, आप लोग को पता होगा, मतलब पता होगा, मतलब मार के बता सकता है कि ये मेरा दोस्त है, छू के नहीं बता सकता। छू के बताते ये मेरा दोस्त है, बताओ, मार के नहीं बताएंगे। तो चलते हैं, ठीक है, तो मिलते हैं आप लोग सीधा घर में, क्योंकि इधर है नहीं कुछ दिखाने, क्या दिखाए, फालतू का टाइम वेस्ट हो रहा है। चलिए चलते सीधा घर, घर में मिलते हैं आप लोगों से। You barely breathe it, don't you walk away. There's a feel you're getting lost, the feel you're trailing off. Feel it in your words when you say there's nothing wrong. There's something so subliminal about the way that your hands. A few moments later. तो दोस्तों मैं अपने घर पहुंच चुका हूं, ठीक है, और अभी मैं अपने रूम पे हूं। ये रहा मेरा रूम, कुछ इस तरह का है, ठीक है, आप लोगों ने देखा ही है, पहले भी देखा है। तो मैं खाना पीना खा लिया, ठीक है, भूख लगा था बहुत जोर से, आया शाम हो गया, ठीक है। तो मैं अपने फ्रेंड के घर में था तभी, ठीक है, तो वो आया लेट हो गया, तो घर आया तो मम्मी को बोला मुझे भूख लगा है तो मुझे खाना दो, मैंने खा लिया। इसके बाद मैं अपने रूम पे आ गया। तो आज मैं बहुत लेट से ब्लॉग शूट किया, बताया आपको मैंने 4 बजे ब्लॉग स्टार्ट किया, ठीक है, 4 बजे किया। आज पता नहीं मैं ब्लॉग शूट नहीं किया था सुबह से, मुझे काम भी हो गया था थोड़ा, मैंने बताया आपको काम था मुझे, इसलिए मैं ब्लॉग कर ही नहीं पाया। तो मैं 4 बजे स्टार्ट किया, नहीं करता वो भी ना तो मेरा ब्लॉग मिस हो जाता आज, जो डेली का मिशन था ना वो मिस हो जाता, लेकिन मैंने किया आप लोगों के लिए, मैंने किया, ठीक है। तो आप लोग भाई को सपोर्ट करो और चैनल मेरे सब्सक्राइब करो, और क्या ही बोला जाए। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल पर मेरे सब्सक्राइब करें, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग पर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।